की शादी है। एक भाई होने के नाते ए कृष्णा ए द्रौपदी पांचाली तेरा भाई कृष्ण तेरा भात भरने के लिए आया है, तू मेरा स्वागत नहीं करेगी? पहली बात तो ये बता कि तुझे बुलाया किसने है? मुझे बुलाया किसने? मैंने तो नहीं बुलाया तुझे। तेरे पांच पति युधिष्ठिर महाराज ने बुलाया चिट्ठी गिर के। अच्छा हाँ, तो उन्होंने बुलाया है तो तू मेरे पटड़े पे आके क्यों खड़ा हो गया? अरे निकल यहाँ से, मुझे तेरा कोई बात बात नहीं चाहिए, निकल यहाँ से बहन। हाँ, क्या कभी देखा है एक बहन अपने भाई को धक्का मारती के चला जा? अभी तो धक्का ही मारा है, अभी तो देख तेरा क्या हाल कर दूंगी अगर तू पटड़े से नहीं उतरा तो। ए बंसाली, हाँ तू क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ कि तू जिन पैरों को लेकर आया है उन्हीं पैरों को लेकर यहाँ से निकल जा, क्योंकि तेरी इस बहन को तेरा कोई बात बात नहीं चाहिए, निकल यहाँ से। कमाल की बात करे, मैं द्वारका गुजरात तक चल के आया, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, मैंने नहीं बुलाया तुझे, इतनी दूर चल के आया तो? बात भरने के लिए आया हूँ, मुझे नहीं चाहिए तेरा बात। बहन बात तो मैं दे के जाऊंगा और तेरे मन की सारी बात भी मैं जान गया। मुझे लगता है कि तू कुछ ज्यादा महंगा कोई कणी मणि हीरे की बोरी भर भर के मांगेगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेरे से इतनी गुस्सा हूँ, इतनी गुस्सा हूँ कि मैं तेरी शकल भी देखना नहीं चाहती। बहन शादी का माहौल है, अपने गुस्से को कंट्रोल में कर ले। नहीं होगा गुस्सा कंट्रोल कर में। ले कोई बात नहीं, जब तक मेरे अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा ना इस घर में कोई खुशी नहीं होने दूंगी मैं। तेरा कौन सा अपमान द्रौपदी? कौन सा अपमान, भूल गया तू उस अपमान को? बहन मैं जानता हूँ तेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है। हाँ। लेकिन ये खुशी का वक्त है, खुशी के वक्त में उल्टी सीधी बात नहीं करा करते। मैं इस घर में खुशी नहीं होने दूंगी, सुन मेरी बात। नासी करवाओगी? कतई। अच्छा सुन मेरी बात। और सुन ले कन्हैया, तू तो पटड़े ऊपर पैर धरणी ने रे 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 रे, तू तो पटड़े ऊपर पैर धरणी ने मत नंद लाल उठाइए। लेकिन बहन हाँ तेरा बात देने ने त्यार खड़ा तू मत बेबे घबराइए। भाई बहन का रिश्ता क्या होता है? ए बहन मैंने तो हजारों लाखों ऐसी बहनों को देखा है, पाटड़े पे खड़ी होकर रोती है। अच्छा, आंसुओं की धारा बहती है, जिनके भाई नहीं बाप नहीं। लेकिन तू कैसी बहन जो भाई आ गया और भाई को धक्के मार के भगाती है? इससे अच्छा तो मेरा भाई होता नहीं। मैं हूँ, बोल तेरे को क्या चाहिए? सुन मेरी बात। कह दे जाने, तू के जाने रिश्ता कैसा भाई बहन का हो सै। दर्शन हो जा दोनुआ के, दर्शन हो जा दोनुआ के, यो समय चैन का हो सै। के भाई का फर्ज समय पे दुख देने का हो सै। ना भाई का फर्ज समय पे, ना भाई का फर्ज बहन को दुख न देने का हो से। ना भाई का फर्ज बहन को दुख न देने का हो से। कृष्ण कहाँ निभाया था तने रे रे रे।
चरण कहा निभाया था तने अपना फर्ज बताइए। अच्छा तने भाई वाला कोई फर्ज नहीं निभाया और तू आज यहाँ पटड़े पर खड़ा हो गया। आज तक कोई फर्ज नहीं निभाया, कोई नहीं निभाया, याद कर ले। कौन सी बात, तू खुद याद कर ले कि मैंने कौन कौन से फर्ज निभाए तेरे। मुझे कुछ याद नहीं है। याद दिलाऊं? दिला। दोबारा बोल। किसने कहा निभाया था तने अपना फर्ज बताइए। तेरा चीर द्रौपदी, तेरा चीर द्रौपदी बढ़ा दिया मते साल भाई, चीर द्रौपदी बढ़ा दिया तेरा मते साल भाई। रक्षा करता है तो वो उस पे एहसान करता है, कभी नहीं। यही तो कह रहा है तू? नहीं, और क्या कह रहा है? बहन मैंने तो अपना फर्ज याद दिलाया। अच्छा, मेरे से पहले तेरे पांच पांच पति तुझे जुए में हार चुके थे, और जब तेरा चीर खींचने का नंबर आया तेरे पांचों पति का फर्ज था वे मर जाए मार दे, लेकिन वो नीची गर्दन करके बैठे थे। याद कर, क्या मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया तेरा चीर बढ़ा के? नहीं निभाया। अगर मैं तेरा चीर ना बढ़ाऊं तू नंगी हो जाती। पहले मेरी बात सुन, तू मुझे कहता है कि मैंने तेरा चीर बढ़ाया। हाँ। क्या तू ये जानता है कि तेरी इस बहन ने तेरे ऊपर एहसान किया हुआ है? तन्ने भी मेरे ऊपर कराया है। तेरे एहसान करने से पहले मैंने तुझ पे एहसान किया हुआ है। जो मैंने तेरा चीर बढ़ाया, हाँ, तेरा कहने का मतलब तन्ने भी मेरा चीर बढ़ा रखा है? नहीं, और के मैंने भी तेरा एहसान तेरे ऊपर एहसान चढ़ा रखा है। मतलब ने के मेरा कुर्ता बनवा दिया। याद है? कुछ नहीं है। नहीं याद है? नहीं याद है। याद दिला। सुन मेरी बात, था कौन सा रे, था कौन सा एहसान बता जो, था कौन सा एहसान बता दो, चढ़ा चढ़ाया तारा तन्ने कौन सा चढ़ा रखा मन भेद बता दे सारा। मारा था दिख मारा था, मारा था शिशुपाल हाथ में चक्कर लगा तुम्हारा। आया यार? क्या कहा, मैंने शिशुपाल की 100 गलती माफ करी, 101 वी गलती पे मैंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। और जब तुम्हारे हाथ में चक्र लग गया और मेरे हाथ से खून की धारा निकली और मैंने पट्टी बांधी, जान गया तन पट्टी बांधी, जब रुकी खून की धारा, जान गया तन पट्टी बांधी, जब रुकी खून की धारा। मैं जान गया तूने मेरे अपनी चुंदड़ी पाड़ के पट्टी बांधी और मैंने बदले में तेरा ब्याज से चीर बढ़ा दिया। तो याद है मैंने तुझ पे एहसान किया नहीं किया? याद है बेबे, याद है। हाँ तो याद रख, तूने मैंने तेरे पर एहसान किया है। क्यों कर? सुन, वचन दिए एहसान बता रहा, वचन दिए एहसान बता रहा, चला यहाँ से चलिए। बहन हाँ, तू जो मांगेगी दे दूंगा पर असल रूप में आई, जो मांगेगी दे दूंगा पर असल रूप में आई। कृष्ण जी की अंगली में चक्र लग गया तो पांचाली द्रौपदी ने अपनी चुंदड़ी पाड़ के लपेट दी,
उस समय कृष्ण जी ने वचन दिया कि बहन तेरे इस छोटे से कपड़े का इस चीर का मैं बदला जरूर उतारूंगा। और बहन मैंने तेरा चीर बढ़ा के चीर हरण में वो बदला भी उतार दिया। तू आज यहाँ पर भात भरने के लिए आया है, लेकिन मुझे तेरे हीरे मोरी कड़ी मणि ये सब कुछ नहीं चाहिए। बहन अब मैं जान गया, एक बार तू असल रूप में आ, तू पांचाली है, मैं कृष्ण हूं, ये दुनिया देख रही है, लेकिन अगर असल रूप में दोनों आए तो तू तो काल का है, काल का काली माता, और मैं विष्णु नारायण। मैंने बरसों पहले तेरे को एक वचन दिया था तेरे खप्पर को भरवाने के लिए। हाँ। मैं जान गया तू कैसा भात चाहती है, लेकिन तू असल रूप में आ, सुन तो यो काम भी करूंगा। सुन मेरी बात, पहले जैसा रूप किया मेरे खुले बाले देख ले, जाते को नटे में तू पूरे हुए सवाल देख ले, जान गई कंगाल तू जग में के कंगाल देख ले, घाटे में रह जागी बात की एक बकर के चाहिए धन माल देख ले, चाहिए धन माल देख ले, फिर पाछे पछताइए। अरे साफ साफ तू तो साफ साफ कहते बहना तन बात कौन सा चाहिए, कहती है कि भाई दुनिया की नजर हमारे दोनों के ऊपर है, किसी को पता भी ना चले कि हम कौन सा भात ले रहे हैं और कौन सा दे रहे हैं, दुनिया तो ये देखे कि भाई बहन कृष्ण और द्रौपदी भात की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात सृष्टि के जन्म से पहले, इस प्रकृति के जन्म से पहले जब धरती पे राक्षसों का पहरा था, देवता कम पड़ गए, तो नारायण विष्णु भगवान और शंकर भगवान ने काली माता का अवतार दिया था लोगों, और काली माता को कहा कि जितने भी राक्षस हैं सबका वध करके उनका खून पी जा। काली माता ने कालका ने धरती पर जितने राक्षस थे सबकी गर्दन काट कर सबका खून पी गई, लेकिन बताते हैं कि कुछ खून पीने की जो कैपेसिटी थी वो कम पड़ गई। अब वो कालका माता देवताओं को भी मारने लगी, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए और विष्णु जी शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने कालका माता के आगे लेट के कालका माता के गुस्से को शांत करा था। आपने देखा होगा कि कालका माता का पैर भगवान शंकर की छाती पे और जीभ निकली हुई आपने जरूर देखी होगी, वो उसी वक्त का सीन है। नारायण विष्णु ने कहा कि ए कालका अपना क्रोध शांत कर, मैं तेरा खप्पर द्वापर युग में भरवाऊंगा। वही बात भात की पाटड़े पे हो रही है, दुनिया देख रही है कि द्रौपदी और कृष्ण बात कर रहे हैं, लेकिन अब बातों ही बातों में कालका और विष्णु बात करेंगे। सुनिए क्या लिखा, और सुन कन्हैया मेरी बात, तू मुझे कहता है कि मैं तेरा भात भर के जाऊंगा। हाँ, अगर तू मेरा भात भरना चाहता है ना तो मुझे तीन वचनों का भात दे। भला वचनों का भी कहीं भात होता होगा? हाँ बहन, तू बोल तेरे को क्या चाहिए, बिना वचन दे दूंगा। बिना वचन दे देगा? हाँ मतलब मैं कुछ भी मांग लू तू दे देगा? हाँ देख ले कभी बाद में नाट जा। बहन ऐसा क्या मांगेगी? कुछ भी मांगू मैं तो? फिर एक काम कर। हाँ मैं तीन वचन दूंगा भात में, लेकिन एक बहन का भी कर्तव्य बनता है। क्या? ए बहनों
जब आपका भाई भात भरने आता है, भाई चाहे लाख माया थाली में गेर दे, तो बहन का भी फर्ज बनता है कि भाई के लिए एक कपड़ा, भाभी के लिए कपड़े भी दे, और कम से कम एक गोड़ा जरूर दे। देते हैं ना एक गोड़ा, उसको बोलते फिरौती। हे बहन, हाँ? मैं तीन वचन देता हूँ भात में, फिरौती में बदले में तू एक वचन मेरे को दे। ओ चलिया, अभी तो मैंने वचन मांगे भी नहीं है, तो मन्ने कौन सा फिरौती ले ली। ठीक है, तेरी ये बहन तुझे एक वचन भी दे देगी, पर पहले तीन वचन दे। एक दो तीन, अब तू दे। ले जा दिया, बन गया, सुन मेरी बात। तीन वचन रे, तीन वचन भर दे छलिया ना, तीन वचन भर दे छलिया ना, मांगू हीरे मोती। एक वचन तू भी भर दे, एक वचन तू भी भर दे, हाँ? ना छोडू बहन फिरौती। भर दोनों ने वचन दिए, फिर खड़ी बात पे रोती। तेरा अब तो रोने लगी, हाँ? भाव जा गया, हाँ? अरे तेरा मेरा दोष नहीं, यो समय सराहनी होती। तेरा मेरा दोष नहीं, यो समय सराहनी होती। थारा छोड़ी तल का पियो हे रे 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 रे, थारा छोड़ी तल का पियो भैया खून पी लिए। ए पंचली, हाँ? क्या कह रही है? 18 क्षोणी दल का खून पिला मैंने, जब जाके मेरा क्रोध शांत होगा। ऐसी कौन सी बहन है जो बात में खून पीवे है? मैं हूँ ना बेबे, खून चाहिए खून। अच्छे बच्चे खून नहीं पिया करते। नहीं, तूने पहले ही कही था कि तीन वचन दिए मैंने, तीन वचनों में मेरा ये वचन है, भात देना हो तो दे, नहीं तो निकल यहाँ से। और कितने कितने लोगों का? 18 क्षोणी दल का। तू जानती है एक अक्षोणी दल में कितने लोग होते? मुझे हैं? नहीं पता कितने लोग होते हैं, नहीं होते हैं। बहन, 1,00,000 पैदल योद्धा मर जान दे, 20,000 हाथी पे योद्धा उन्हें भी मर जान दे, 10,000 रथ पे मरन दे, 5,000 घोड़े पे मरन दे, और एक उनके ऊपर उनका सेनापति, ये एक अक्षोणी दल है, सबको मरने दे। और तू 18 अक्षोणी दल में? हाँ। पांचाली थोड़ा ख्याल कर, 18 अक्षोणी दल में तेरा भाई भी आ गया, और तेरे 5 पति भी आ गए। आने दे, क्यों नाश करे है? तू तो पहले चाहिए, क्योंकि तेरा खून तो मैं घूट घूट करके पीऊंगी। मेरा शुगर हो रही है, मर जाएगी। मर जान दे, पर तेरा खून पहले चाहिए। ना बहन, तेरे में से तो खून भी ज्यादा निकलेगा। बहन बकस दे। नहीं बकसूंगी। 18 क्षोणी दल का पीऊं मने भैया खून पी लिए। जा बहन, वचन दिया है, दिया 18 क्षोणी दल दिया, अब तू मेरी फिरौती कह, अब दोबारा कहे फिरौती ले। 18 क्षोणी दल का पीऊं मन भैया खून पी लिए। फिरौती में क्या मांगा? अच्छा लगे तो सम्मान करना, क्या मांगा? अरे पांचो पांडव छठा यो कृष्ण रहम द्रौपदी। खप्पर खाली रह जाएगा। अब चाहे तेरे खप्पर की इसी तिशी हो, मैं कोई टेंशन को नहीं। टेंशन की बात नहीं है, मेरा जो मैंने 18 क्षोणी कदल मांगा है ना, दे दिया, तो तुम छायो कभी ना कहा फिरौती में हमें बकस। अच्छा, हाँ। मुझे पता होता ना फिरौती में तू ये मांगेगा, तो मैं तुझे एक वचन देती नहीं। तू अपने आपने शानी समझ रही है, मैं भी डेढ़ शाना हूँ। तू भी पूरा शाना है। बहन, फिरौती में पांचो पांडव और छठा यो कृष्ण, हमने तो बकस दिए, और फरसाले चालू हो जब ऐसा कोई दिक्कत। सुन ले मेरी बात है, हाँ। दिन तक
बाद चला महाभारत का युद्ध। आजकल आप लोग खाटू श्याम को कौन कौन मानता है? हर ठाकुर जो खाटू श्याम को मानता है, भेद की बात बताऊंगा। खाटू श्याम वीर बरबरीक है, भीम का पोता। युद्ध में आया, तीन बाण थे, एक बाण चलाया, जहां बाण जाके गिरा सबकी में आग लगा के खत्म। कृष्ण जी भगवान ने वचन दिए थे द्रौपदी को कि तू 18 क्षणी दल का खून पीना, इसीलिए कृष्ण भगवान ने उस वीर बरबरी का शीश का दान ले लिया। कह दो शीश के दानी की। लेकिन एक वरदान दिया कि बरबरी कलयुग में मेरे नाम से तेरी पूजा होगी और तू 18 दिन तक इस युद्ध को अपनी आंखों से कटे शीश से भी देखेगा। युद्ध खत्म हुआ, पांचों पांडव बड़ाई करते हैं कि हमने गणे मानस मारे, हमने गणे मानस मारे। लेकिन वीर बरबरीक बताता है कि इस युद्ध में पांचों पांडव मुख बधिर भाटे बने खड़े हैं, केवल और केवल द्रौपदी जिसके बाल खुले हैं, जीभ निकली हुई है, एक हाथ में कटोरा, एक हाथ में फरसा, मानस ने पकड़े नाड़ काटर, सबका खून पीजा है। वो सारा 18 छोनी दल उस द्रौपदी काल का मैया ने मारा था सजनों। अब खप्पर खाली रह गया, पांचों पांडव और छठा नारायण, छह मानस कड़े ता होंगे। लेकिन कृष्ण भगवान यहां भी कालका को कहते हैं तेरा छवा का जुगाड़ भी करूंगा, आजा सुन ले। तेरी फिरौती का, तेरी फिरौती का पता नहीं था, मारी चोट कुड़ाली तुरते रीत चली आई, न फिरौती लई निराली। तुम छैयों के बिना कन्हैया, मेरा रह जा खप्पर खाली। कलयुग में चल, कलयुग में ये द्वापर युग, ये द्वापर युग, इस अगला युग आएगा कलयुग में। और ये कहा के पांचाली एक काल का, कलयुग में जितनी भी एक्सीडेंट में या हत्या जितने भी लोग मरेंगे, तुम मरे उड़ागा तू सबका खून पिए, कलयुग में भरवा दूंगा कर सबर तनक पांचाली। कलयुग में भरवा दूंगा कर सबर तनक पांचाली। कृष्ण भात जय करन घड़ दे, कृष्ण भात जय करन घड़ दे, मित भारत में गईये। बहन अब तो खुश है, खुश हूँ। कलयुग में जितने भी अपनी मृत्यु नहीं, दैहिक दैविक भौतिक जितने भी मृत्यु मरेंगे उनका खून पी लेना। लेकिन ध्यान रखना, क्या खून पीना? हिंदुस्तान के लोगों का ही। अच्छा, कदे चीन वाला कबीले कोरोना वायरस तेरे में हो जा। किरसन भाते जय करन गढ़ दे, नित भारत में गईये। शरण दास की मेहर फिरी तू देहातों में गईये, शरण दास की मेहर फिरी तू देहातों में गईये। तो बनले ऊपर पैर धरन ने बदरंग लाल गईये, दे प्यार खड़ा तू रे मन में बेधक गईये, दे प्यार खड़ा तू मन में बेधक गईये। अच्छी लगी और समझ में आई तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा।